लुक, क्वेश्चन रीड करो सभी लोग। राइट अ वीवी डॉट नेट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर थ्रू इनपुट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स से नहीं लेना, इनपुट बॉक्स से लेना। जैसा हम लोग मैसेज बॉक्स में जाकर हम लोग एक प्रॉम्प्ट के थ्रू हम लोग कुछ डेटा प्रिंट कर सकते हैं, वैसे हम लोगों को क्या करना है, इनपुट बॉक्स के थ्रू हम लोगों को क्या करना है, इनपुट रीड करना है, टेक्स्ट बॉक्स रीड करने करना है। एंड डिस्प्ले इट्स मल्टीप्लीकेशन टेबल इन टू द लिस्ट बॉक्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम्स के लिए एक लिस्ट बॉक्स होता है, उसके अंदर में जाकर हम लोगों को डेटा प्रिंट करना है। ठीक है, पहले एक बार के लिए आउटपुट देखो, दो अलग अलग टाइप के आउटपुट मैंने जनरेट करके रखा हुआ है। लुक, एक टेबल और ये क्या, एक लिस्ट बॉक्स। जैसे ही बटन के ऊपर में हम लोग क्लिक करेंगे, ये आ गया इनपुट बॉक्स। सो इनपुट बॉक्स के अंदर में क्या क्या आ गया, देखो एक टेक्स्ट फील्ड आ गया। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स है, एक ओके बटन और एक कैंसिल बटन, ऑटोमेटिक आता है सब कुछ। सो इनपुट बॉक्स के थ्रू हम लोगों को क्या करना, इनपुट रीड करना। फॉर एग्जांपल मैंने क्या एंटर किया यहाँ पर, 5। ओके क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो लिस्ट बॉक्स के अंदर में 5 का मल्टीप्लीकेशन टेबल। चलो एक बार फिर से क्लिक ऑन बटन, सपोज 7, तो प्रीवियस आउटपुट क्लियर होकर न्यू आउटपुट वहां पर जनरेट होना चाहिए। ये न्यू आउटपुट आ गया, और एक्स्ट्रा एक सेटिंग कर दिया, जस्ट एक एक्स्ट्रा लेवल भी यहाँ पर आता है, मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ समथिंग, ऐसा आंसर आएगा। ये बटन क्लिकिंग के ऊपर में क्या आ रहा है, इनपुट बॉक्स। ठीक है, तुमको बटन क्लिकिंग के ऊपर में अगर नहीं चाहिए, बटन क्लिकिंग के ऊपर में अगर तुमको नहीं चाहिए तो ऐसा भी कर सकते हो, जैसे ही फॉर्म लोड होगा, प्रोग्राम स्टार्ट होते ही क्या आ जाएगा, एक इनपुट बॉक्स, मतलब जो भी कोड मैंने उसके लिए बटन के ऊपर में किया, सब कुछ एज इट इज क्या कर दिया मैंने, फॉर्म लोडिंग के ऊपर में कर दिया। जैसे ही फॉर्म लोड होगा सबसे पहले ही क्या होगा, एक इनपुट बॉक्स आ जाएगा, फिर तुम यहां से इनपुट एंटर करो एंड लिस्ट बॉक्स के अंदर में आंसर आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर फिर कोई बटन नहीं, तुमको क्लोज करना होगा, फिर से तुम स्टार्ट करो, फॉर्म लोड होते ही क्या होगा, एक इनपुट बॉक्स एंड इनपुट रीड कर तुम उसका आउटपुट लिस्ट बॉक्स में जनरेट कर प्रिंट कर सकते हो। क्लियर, ठीक है, चलो देखते हैं ये कैसा करेंगे। लेटेस्ट विजुअल स्टूडियो यूज करना है तुम लोगों को। चलो फाइल, न्यू प्रोजेक्ट एंड एक फॉर्म चाहिए, तो जस्ट फॉर्म सर्च कर लेना एंड वीबी विंडो फॉर्म ऐप, यहां भी देखो वीबी विंडो फॉर्म ऐप। बाय मिस्टेक बहुत बार क्या होता है, सी शार्प यहां पर बाय मिस्टेक सिलेक्ट कर लेते हैं बहुत सारे लोग, तो तुमको जिसके ऊपर मैं क्रिएट करना को वैसा कर सकते हो। तो हमको वीबी यूज करना है, वीबी विंडो फॉर्म ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट एंड हमने एप ड्राइव पर एक वीबी डॉट नेट प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, सब कुछ उसी के अंदर में स्टोर होगा। चलो क्या नाम दूं अभी ऐप का, मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट करना है तो चलो मैं आप लिखता हूँ मल्टी टेबल ऐप, ऐसे नाम दे देता हूँ, चलेगा मल्टी टेबल ऐप। चलो पहले बटन क्लिकिंग के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स हम लोग प्रॉम्प्ट करेंगे, उसके बाद में फॉर्म लोडिंग के ऊपर में कॉपी पेस्ट कर देंगे। सो डिजाइन में हम लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमको एक बटन और एक लिस्ट बॉक्स। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर बटन सर्च कर लेते हैं, बटन चलो बटन में यहाँ पर बटन के प्रॉपर्टीज लेबल चेंज कर देता हूँ, क्लिक टू रीड इनपुट ऐसा लिख दे, क्लिक टू रीड इनपुट। ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंगली फॉन्ट साइज तुम लोग सेट कर सकते हो। एंड एक्स्ट्रा क्या चाहिए हम लोगों को, लिस्ट बॉक्स, ये देखो लिस्ट बॉक्स हो गए। ये लेबल यहाँ पर, ये जो लिस्ट बॉक्स 1 दिख रहा है ये तुमको डिस्प्ले करते वक्त नहीं प्रिंट होने वाला है, ये इसका नाम है लिस्ट बॉक्स 1। ठीक है, इसका नाम बाय डिफॉल्ट क्या, बटन 1, इसका नाम क्या, लिस्ट बॉक्स 1। तुमको रीनेम करना हो तुम रीनेम कर सकते हो। बटन क्लिक करते ही कुछ होना चाहिए इवेंट। चलो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके उसका बैकग्राउंड का कोड विंडो ओपन करता हूँ। जैसे तुम बटन 1 के ऊपर में क्लिक करोगे, बोलो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, एक इनपुट बॉक्स आना चाहिए। तो जैसा मैसेज बॉक्स के लिए MSG बॉक्स नाम का फंक्शन था, इनपुट बॉक्स के लिए इनपुट बॉक्स नाम का फंक्शन है। ठीक है, टैप प्रेस किया एंड क्या मैसेज वहां पर डिस्प्ले करना है, सपोज एंटर अ नंबर। एंड याद रखना है, टेक्स्ट बॉक्स से अगर तुमने कोई इनपुट लिया या फिर इनपुट बॉक्स से कोई इनपुट लिया तो स्ट्रिंग के अंदर में डेटा होता है, तो उसको कन्वर्ट कर लो सी इंट। ठीक है, कभी कभी कन्वर्ट नहीं किया तो भी चल जाएगा, बट कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो सी इंट नाम का हमारे पास में फंक्शन है, सी इंट। ठीक है, जो भी इनपुट तुम लोगे उसको क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना। डन,
चलो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, सपोज एन एज इंटीजर, ठीक है। तो जो भी तुम इनपुट एंटर करोगे वो हमने किसमें स्टोर कर लिया, एन के अंदर में स्टोर कर लिया। सपोज फाइव, तो जस्ट क्या करना है, फाइव इंटू वन, फाइव इंटू टू, फाइव इंटू थ्री, फाइव इंटू फोर, वन बाई वन बस क्या करना है, लिस्ट बॉक्स के अंदर में हम लोगों को ऐड करना है, ठीक है। लिस्ट बॉक्स के अंदर में आइटम्स होते हैं एंड वन बाय वन हम लोग आइटम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। सो मैंने टेक्निकल वर्ड यूज किया आइटम्स, तो यहाँ पर देखो हमारे लिस्ट बॉक्स का नाम क्या है, लिस्ट बॉक्स वन, उसके अंदर में क्या होते हैं आइटम्स, तो जस्ट क्या टाइप कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आइटम्स, ठीक है। एंड ऐड करने के लिए हमारे पास में फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, क्या ऐड करना है, सपोज एन का वैल्यू अगर फाइव अगर होगा तो फाइव इंटू वन, देन फाइव इंटू टू, देन फाइव इंटू थ्री, मतलब एन इंटू वन, ये ऐसा आ गया। ऐसे कितने टाइम्स हम लोगों को ऐड करना होगा, टेन टाइम्स, तो टेन टाइम्स लिखोगे यहाँ पर हम लोग एक लूप भी लगा सकते हैं, करेक्ट। तो ये इंटू वन, इंटू टू, इंटू थ्री, इंटू फोर, इंटू फाइव लिखने से बेटर है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा लेते हैं, जैसा सही प्रोग्रामिंग होता है वैसा है, बस सिंटैक्स यहाँ पर डिफरेंट कर देगा। सो फॉर आई इक्वल टू वन टू टेन, ठीक है, आई इक्वल टू वन टू टेन, एंड ऑटोमेटिक ये फॉर के लिए इसका कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर कुछ लगाने की जरूरत नहीं, कोई कोलन नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ऑटोमेटिक आई का स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा, वन, देन नेक्स्ट टू, नेक्स्ट थ्री, नेक्स्ट फोर, एंड वन से ही इंक्रीमेंट होगा। तुमको अगर टू से इंक्रीमेंट करना, फोर से इंक्रीमेंट करना होगा, तुम यहाँ पर एडिट कर सकते हो, आगे जाकर तुम स्टेप लिखकर एडिट कर सकते हो। तो इस लूप के अंदर में बस क्या करना है, हम लोगों को सेट करना है, अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ वन टू थ्री फोर फाइव क्या मल्टीप्लाई करना होगा, आई मल्टीप्लाई करना। तो जब आई का वैल्यू होगा वन, एन इंटू वन, देन एन इंटू टू, देन एन इंटू थ्री, एन इंटू फोर, एन इंटू फाइव, टेन टाइम्स डेटा उसके अंदर में प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। लूप स्टार्ट करने के पहले एक बार लिस्ट बॉक्स के अंदर में जो कुछ भी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लियर कर देते हैं। स्टार्टिंग में क्लियर ही होता है, बट एक बार अगर मैंने ऐड किया तो नेक्स्ट टाइम तो क्लियर करना ही होगा ना, अगर क्लियर नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम आता है देखो पहले, ठीक है। विदाउट क्लियर इन जस्ट इतना ही हम लोग आउटपुट देखते हैं, स्टार्ट करता हूं। लुक, बटन के क्लिकिंग के ऊपर में हम लोगों ने इवेंट परफॉर्म किया है। मैं यहां पर एंटर करता हूं फाइव, यहां पर देखो आगे फाइव इंटू वन, फाइव इंटू टू, फाइव इंटू थ्री, फाइव इंटू फोर, फाइव इंटू फाइव। अब लिस्ट बॉक्स में पहले एलिमेंट्स नहीं थे, बट अभी एलिमेंट्स आ गए, एड आइटम्स एड हो गए। दोबारा मैं क्लिक करता हूं, चलो मैंने यहां पर क्या लिखा, टू, सो टू इंटू वन, टू इंटू टू, टू इंटू थ्री, टू इंटू फोर, आइटम्स एड होगा, प्रीवियस आइटम ऑलरेडी एडेड, उसी के नीचे में देखो यहां पर क्या आ गया, टू का टेबल आ गया। सो न्यू टेबल आने के पहले तुमको लिस्ट बॉक्स को क्या करना चाहिए, क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं। तो जस्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, वापस हमारे लिस्ट बॉक्स का नाम क्या है, लिस्ट बॉक्स वन, उसमें क्या होते हैं आइटम्स, एंड उसको क्या करना है, क्लियर करना है। सो क्लियर करने के लिए क्लियर नाम का फंक्शन है हमारे पास, हो गया, ज्यादा कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है। लुक, एंड और एक एक्स्ट्रा क्या करता हूं, एक लेबल भी ले लेता हूं। चलो यहां पर डिजाइन में ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, एक लेबल ले लेते हैं, ये एक लेबल, एंड लेबल की प्रॉपर्टीज में हम लोग यहां पर ऐसा लिख कर रखेंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हिडन रहने दो, ठीक है, उसको हिडन रखते हैं, ये हमारा लेबल वन, ठीक है। बटन के क्लिकिंग के ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे लेबल का नाम क्या है, बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, लेबल वन, लेबल टू, लेबल थ्री, लेबल फोर। सो ये सब कुछ प्रिंट करने के पहले जो भी तुम्हारा लेबल होगा उस लेबल वन का टेक्स्ट मैं मॉडिफाई करने वाला हूं, एंड मैं यहां पर प्रिंट करने वाला हूं मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ, कॉन्कैटिनेशन करने के लिए वीबी डॉट एन में क्या होता है, एम्पोसेंट, मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ एन, मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ टू, मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ फाइव, मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ समथिंग, जस्ट ऐसा एक मैसेज यहां पर आ जाएगा, क्लियर है। जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा पहले ये लेबल के अंदर में जाकर ये वैल्यू चेंज करेगा, क्लियर। स्टार्टिंग में लेबल क्या प्रिंट होगा, स्टार्टिंग में ये लेबल वन ऐसा प्रिंट होकर आ जाएगा तो उसका लुक प्रॉपर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, स्टार्टिंग में इसका लेबल क्या करते हैं, एम्प्टी कर देते हैं, कुछ भी नहीं दिखेगा। ये देखो स्टार्टिंग में लेबल वन का जो लेबल है वहां पर कुछ भी नहीं दिखेगा, बस हम लोग न्यू उसको डायनेमिकली वैसे क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। आप देखना आउटपुट, पहले कंट्रोल एस सेव ऑल कर लेना। देखो स्टार्टिंग में लेबल है क्या, है, बट वहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। चलो बटन पे क्लिक करेंगे मैं, चलो यहां पर लिखता हूं टू, तो देखो मैसेज आ गया मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ टू, उस लेबल पे जाकर मैंने उसका टेक्स्ट एडिट कर दिया, ठीक है। चलो वंस अगेन यहां पर मैं लिखता हूं फाइव, मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ
फाइव का टेबल आ गया, सपोज 9, मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 9 आ गया। क्लियर? क्वेश्चन का इतना रिक्वायरमेंट नहीं, तुमको अपनी तरफ से जितना एक्स्ट्रा ऐड करते आएगा उतना एक्स्ट्रा तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यही सब कुछ अगर प्रोग्राम स्टार्ट होते ही अगर होना चाहिए तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, जैसा बटन के ऊपर में डबल क्लिक कर बटन का क्लिक इवेंट हम लोगों ने परफॉर्म किया, हम लोग क्या करेंगे फॉर्म के ऊपर में डबल क्लिक कर देते हैं। ये देखो मैसेज, देखो क्या लिखा, मेथड का नाम form1_load। जब फॉर्म लोड होगा तब ये सब कुछ परफॉर्म करना है। ये जो कुछ भी किया, चलो मैं ये क्या करता हूँ, ये सब कुछ एज इट इज बस क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। एंड क्या करता हूँ, इसको कमेंट बना देता हूँ, ठीक है। कमेंट कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट पता है? पहले तो vb.end में सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या किया मैंने, देखो स्टार्टिंग में क्या लगा दिया, एक सिंगल कोट लगा दिया, ठीक है। एंड सब कुछ एक साथ सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+K और फिर सी, ठीक है। अनकमेंट अगर करना को देखो, मैं अनकमेंट करता हूँ, मैं इसको वापस सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+K, अनकमेंट करने के लिए U फॉर अनकमेंट, C फॉर कमेंट, बट पहले Ctrl+K प्रेस करना होगा। देखो मैं वापस Ctrl+K, C, Ctrl+K, U, अनकमेंट, Ctrl+K, C, आ जाएगा शॉर्टकट। अब सब कुछ फॉर्म लोड होते ही होगा, अब बटन क्लिकिंग का कोई रोल यहां पर है नहीं। तुमने अगर यहां पर बटन वन को जाकर अगर डिलीट भी अगर कर दिया तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। मैं यहां पर बटन वन को डिलीट कर देता हूं, ठीक है। प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करेंगे, डन। बटन को डिलीट कर दिया मैंने, बटन की जरूरत नहीं मुझे। फॉर्म लोड होते ही, ये देखो फॉर्म लोड होते ही यहां पर क्या आ गया, इनपुट बॉक्स आ गया। पहले ये बटन क्लिक करने के बाद में आता था, बट मैंने इसको एडिट करके क्या कर दिया, फॉर्म लोड होते ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो हम यहां पर चलो एंटर करता हूं 2, ये देखो मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 2 यहां पर आंसर आ गया, ठीक है। बट ये क्लोज होगा, फिर से तुमको क्या करना होगा, फिर से तुमको स्टार्ट करना होगा और फिर से तुम इनपुट एंटर करो, आउटपुट आ जाएगा। क्या लगता है कौन सा बेटर होगा? पहले बटन वाला ठीक था, बटन वाला बेटर था। चलो मैं Ctrl+Z कर यहाँ पर बटन एंड इसको वापस क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ। क्या प्रेस करना होगा बोलो, Ctrl+K, U, अनकमेंट कर दिया, ठीक है। एंड फॉर्म लोड होता ही कुछ भी नहीं करना, चलो मैं ये फंक्शन को ही क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऑल डन। रेफरेंस के लिए अगर तुमको बैकग्राउंड कोड विंडो का अगर फोटो अगर चाहिए तो तुम ले सकते हो, ठीक है।